बहुत तो सुंदर, ममता जी बहुत जुड़ गई हैं, तो मैं सोचती हूँ हम ममता जी को उनका समय देते हैं। और तो ठीक है। ममता जी आपका स्वागत है। स्वागत है ममता जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए कृपया, आपका माइक। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है ममता जी। नमस्कार। और आपका हमने परिचय तो दिया था, पर दोबारा बता देते हैं कि आप झारखंड जमशेदपुर से हैं और एक एडवोकेट हैं और काफी व्यस्त हैं अपने काम में, और इनको शास्त्रीय संगीत में भी बहुत रुचि है और उसमें भी ये संलग्न है, अपनी हॉबी है इनकी ये। और गजलें गाने और लिखने दोनों का बहुत शौक है, तो आशा है कि आज आप हम लोगों को कुछ गजल भी सुनाएंगी अपनी प्रस्तुति में। तो स्वागत है ममता जी, आप शुरू कर सकती हैं अपनी प्रस्तुति। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ, शायद आप लोगों तक आवाज जा रही होगी। जी, आवाज बिजली आ रही कड़कने की आवाज आई। भयानक बारिश हो रही है और बहुत ही सुंदर मौसम है। और जहां तक गजलें सुनाने की बात कही तो मैं गजलें जरूर सुनाती, पर मेरी आवाज में बहुत प्रॉब्लम है और लगता है कि महीने भर से मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। कोविड के इंजेक्शन के बाद काफी परेशानी हो रही है गले में, न जाने, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर गले में प्रॉब्लम है। अच्छा तो मैं कविताएं ही सुनाऊंगी जी, ठीक और है ठीक है, आप लोगों को पुनः एक बार नमस्कार। जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों बहुत को मेरा बहुत नमस्कार, नमस्कार। इस मंच नमस्कार। और मैं अपनी कविता से शुरुआत करना चाहती हूँ। और मेरी पहली कविता है, मैं ममता हूँ। जी स्वागत है आपका। मैं ममता हूँ, आप इसको सुनिएगा गौर से जरा। मैं जी थोड़ा अपने वकालत पेशे से रिलेटेड ये कविता लिखी हूँ, तो अच्छा, इसको सुनिएगा। स्वागत है आपका। सुनो, मैं लिखना चाहती हूँ। सुनो, मैं लिखना चाहती हूँ आज एक कविता, अपने दिन भर के एहसासों को लेकर। अपने दिन भर के एहसासों को लेकर मैंने लिखा है वह सब कुछ जो मैं करती रहती हूँ पूरा दिन, कि कैसे कैसे और क्या क्या लिखती रहती हूँ अपने मुवक्किलों के लिए, जिसमें उड़ेन सा देती हूँ अपने पूरे जीवन का अध्ययन। अध्ययन और अनुभव, ताकि उनके हितों का चिंतन कर सकूं और हर हाल में उनको लाभान्वित कर सकूं, बहुत जिससे खूब, कुछ के जीवन उलझते हैं तो कुछ के जीवन सुलझते हैं। मैं लाभान्वित कर सकूं, जिससे कि कुछ के जीवन उलझते हैं और कुछ के जीवन सुलझते हैं। इसके लिए न जाने कितने झूठों से तब्दील करना पड़ता है सच को सच में, झूठ को सच में। न जाने कितने कसीदे काढ़े हैं मेरी कलम ने इस सब के लिए। इस तरह पूरा दिन बिता देने के बाद जब मैं बैठती हूँ कुछ सोचने को, ताकि मैं लिख सकूं। इस तरह पूरा दिन बिता देने के बाद जब मैं बैठती हूँ कुछ सोचने बहुत को, ताकि मैं लिख सकूं, वह सब कुछ अपने लिए भी जो जरूरी है, मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी जिजिस्का के लिए। तो फूट पड़ता है वो दर्द, तो फूट पड़ता है वो दर्द डूबते सूरज के साथ ही, जो पूरा दिन ढक छिप कर बैठा रहता है तुबक कर कहीं मेरे अंतरस में। रात्रि के पहर, प्रथम पहर, जब भी मैं उठने लगती हूँ, गिरने सी लगती हूँ, और वो तरंगे जिनसे मैं सिहर उठती हूँ, मैं एक बारगी और तैरने सी लगती हूँ एक कल्पना लोक में, और इस तरह डूबती हूँ उतरती सी आनंद के उस चरम स्पर्श को, और कर लेती हूँ जिसमें निहित होती है मेरे मन की शांति, आत्मिक संतुष्टि और परम तृप्ति का भाव भी। कदाचित यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि पूरा दिन बड़ी शिद्दत से मैं जीती हूँ दूसरों के लिए, जो बनते हैं मेरे विश्राम के क्षणों में मेरी शांति, संतुष्टि और तृप्ति का कारण भी और कारक भी। बहुत सही, बहुत खूब, बहुत सुंदर। मानो जैसे मैं दिन भर कड़ी प्रसव पीड़ा से जना हो इन सारी बातों को, जैसे, गौर से सुनिएगा, जैसे जैसे मानो कि
दिन भर कड़ी प्रसव पीड़ा से जना हो यह सब कुछ एक अद्भुत ममता के साथ। फिर लगा मुझे कि मैं खुद ही तो ममता हूँ, मुझे इस प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त करना ही होगा नित्य प्रतिदिन, ताकि दूसरों को आनंदित करते हुए खुद को भी आनंद का चरम स्पर्श कर सकूं। और इस तरह एक बार से मैं फिर उठ खड़ी होती हूँ अगले दिन के लिए, उन्हीं थके हारे परेशान लोगों की मदद के लिए। बस इतना सा फलसफा है मेरी जिंदगी का, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ पर मैं एक ममता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कमाल, बहुत खूब ममता जी अपना परिचय इतना अच्छा देने के लिए और आपने वकालत की बारीकियों को बहुत सुंदरता से इसमें बखान हम भी आते हैं वकील परिवार से ही, मैं, हमारे बाबा, फादर, सभी लोग, अब समझ में आ रहा है। कश्मकश ऐसी गुजरती है, और जो मेरा साहित्यिक मन है और जो मेरा पेशा है बिल्कुल ही दोनों एक दूसरे से टैली नहीं करता है, पर मैं कैसे जीती हूँ और उन लोगों के लिए कैसे मैं एक बहुरूपी चेहरे को ओढ़ के मैं दूसरी जिंदगी जीती हूँ, तो कई बार मुझे बहुत दर्द होती है पर मैं उसको जीती हूँ। बहुत सही कहा आपने। मैं अपनी अगली कविता सुनाती हूँ आप लोगों को। हाँ, जी जरूर, स्वागत है आपका। अंत से अनंत तक मैं ना तो हर्फों में हूँ ना ही उसके अर्थों में, मैं ना तो हर्फों में हूँ ना ही उसके अर्थों में, ना तो व्याख्या है मेरी और ना कोई परिभाषा है मेरी। मैं हर्फों में हूँ ना ही उसके अर्थों में, ना तो व्याख्या है और ना कोई परिभाषा है मेरी। ना अर्ध विराम, ना अर्ध विराम, ना पूर्ण विराम, हलंत बिंदु चंद्र बिंदु से परे, हलंत बिंदु चंद्र बिंदु से परे, किसी अधूरे अक्षर में भी नहीं मेरी नियति। मेरी है सीमाएं, इसके बाद भी अगर तुम पहुंचना चाहते हो मुझ तक, तो तुम्हें खोजना होगा मुझे हमेशा रिक्तियों में, क्योंकि मैं पूर्ण नहीं मैं। इसके बाद भी अगर तुम पहुंचना चाहो मुझ तक, तो तुम्हें तुझे खोजना होगा मुझे हमेशा रिक्तियों में, क्योंकि पूर्ण नहीं मैं। रिक्तियों की प्यास बुझाने को आतुर मैं वह बूंद हूँ, जिसका न आदि है न अंत है, मैं सदा से ही अनंत हूँ, सतत अनवरत अनंत। बहुत बहुत बढ़िया। रिक्तियों की प्यास बुझाने को आतुर मैं वह बूंद हूँ, जिसका न आदि है न अंत है, और मैं सदा से हूँ अनंत, सतत अनवरत और अनंत। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बड़ी प्यारी कविता, बहुत। एक और मैं अपनी रचना सुनाती हूँ। जी स्वागत है। पाने को कुछ नहीं, पाने को कुछ नहीं, ले जाने को भी कुछ नहीं, उड़ जाऊंगी एक दिन तस्वीरों के रंगों की तरह, उड़ जाऊंगी एक दिन तस्वीरों के रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे परिंदे की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदे की तरह, एक दूसरे के मन का दरवाजा खटखटाते रहिए, मुलाकाते भले ना हो सही आहटे आती रहनी चाहिए, मुलाकाते भले ना हो सही आहटे आती रहनी चाहिए, जिंदगी उम्मीद की टहनी पर है, घुल जाऊंगी एक दिन मैं उम्मीदों की तरह। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। और कुछ कमेंट्स भी आए हैं, जैसे भारत भूषण जी कह रहे हैं बहुत अच्छा, मैजिक मैन से आया, वाह, काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके लिए, जुड़े हैं लोग काफी, धन्यवाद। सभी लोग इंडिया में तो करीब आधे से अधिक लोग सोए हुए होंगे जी वाकई इंडिया से जुड़ के सुनाना और सुनना दोनों थोड़ा सा टफ, हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है इस समय के लिए, लेकिन मैं इंडिया भारतवासियों को, भारतवासियों को एक संदेश देना चाहूंगी कि सुबह सुबह उठ जाएं और कविता और संगीत का रसपान करें, शायद इससे खूबसूरत कोई जिंदगी नहीं बचेगी, क्योंकि सुबह का उठना मेरे लिए भी थोड़ी कठिन थी, देर रात तक ड्राफ्टिंग चलती है हमारी,
जी बट उठ जाती हूँ और आप लोगों के जी सम्मुख हूँ। और मैं तो बहुत अगली स्वागत है कविता आपका। सुना, और अगली रचना आप अपनी सुनाएं। अगली रचना है हमारी खामोशी। शोर की तो एक उम्र होती है, शोर की तो एक उम्र होती है और सदाबहार होती है खामोशी। कोई सुलह तो करा दे मेरी जिंदगी की इन उलझनों से, कोई सुलह तो करा दे मेरी जिंदगी की इन उलझनों से। बड़ी तलब है दिल में आज मुस्कुराने की, वाह क्या बड़ी बात। तलब है दिल में आज मुस्कुराने की। यूं तो हम मुस्कुराते थे कभी एक बेपरवाह अंदाज से, लेकिन यूं तो हम भी कभी मुस्कुराते थे कभी एक बेपरवाह अंदाज से, लेकिन मेरी मुस्कान को अब एक तमीज चाहिए, मेरी मुस्कान को अब एक तमीज चाहिए। चलो मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं, चलो सुंदर मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं। तुम फिर से हमें और हम तुम्हें ढूंढते हैं। चलो वाह मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं, तुम फिर से हमें और हम तुम्हें ढूंढते हैं। मेरे दर्द की वाह एक अपनी अदा है, मेरे दर्द की एक अपनी अदा है, न जाने क्यों वो मुझ पे इतनी फिदा है। मेरे दर्द की सुंदर अपनी एक अदा है, न वाह जाने वो मुझ पे इतनी क्यों फिदा है। चलो दर्द को एक नया रंग देते हैं, चलो दर्द को एक नया रंग देते हैं। सतरंगी रंगों में इसे रंग देते हैं, बहुत सतरंगी सुंदर। रंगों में इसे रंग देते हैं। सिर्फ एक सफा पलट कर तुमने, ये सिर्फ एक सफा पलट कर तुमने बीती बातों की दुहाई दी है। फिर जब लौट के वहीं जाना होगा, ऐ यार मेरे तूने ये कैसी रिहाई दी, ऐ यार मेरे ये तूने कैसी रिहाई दी है। जायका अलग ही है मेरा और मेरे लफ्जों का, जायका अलग है मेरा और मेरे लफ्जों का। तुम समझ नहीं पाते और मैं समझा नहीं पाती। बहुत तेरी सुंदर शर्तों पे जी रही थी मैं, तेरी शर्तों पे जी रही थी अब तक ऐ जिंदगी। तेरी उम्मीदों को देख रखा है, अभी कितनी उड़ान बाकी। बहुत सुंदर बहुत बहुत खूब खूब बहुत बहुत सुंदर बहुत विचार आपके और उसकी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति बहुत खूबसूरत जी बहुत अच्छा लिखती हैं ममता जी, आप जी बहुत सुंदर लिखते हैं। जी कोशिश करती हूँ और बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाती। इतने व्यस्त प्रोफेशन के बावजूद लिखना क्रेडिट की बात है हाँ, बस जी दिन भर में डायरी मेरे हाथ में और पन्ने रहती हैं। पहले तो मैं बहुत से विचार आते थे और यूं ही चली जाती थी, पर अभी मैं जब भी कुछ आती है मन में तो कोशिश करती हूँ उसको नोट कर लूँ, नोट क्योंकि बाद कर में फिर वो आ नहीं पाती है। जी तो जो चली जाती है बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ सही क्योंकि इस कहा तरह मैंने अपने बहुत से धरोहर को खो दिया है। कितनी बिल्कुल सारी चीजें आती हैं मन में, फिर वो रिपीट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बिल्कुल जो भी आती हैं कवि के लिए या एक कवित्री के लिए वो वो क्षणिक होती हैं, बस उस क्षण में क्षणिक होती पकड़ है। लिया तो पकड़ लिया, छूट गया तो छूट जो गया वापस वो माहौल आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ। एक मेरी अगली रचना है, दोपहर की बरसात। हालांकि अभी सुबह की बरसात हो रही है और मैं दोपहर में, कभी बरसात तो दोपहर में बरसात बरसात है, हुई थी सुबह हो या दोपहर कभी दोपहर में बरसात हुई थी तो मैंने लिखा था जी दोपहर की बरसात। तुम ओके ना आए ना मुझे बुलाए, आई तो खूब आई बस तेरी याद आई। तुम वाह ना आए ना मुझे बुलाए, आई तो खूब आई बस तेरी याद आई। पर तुम ना आए ना मुझे बुलाए, सुबह हुई शाम हुई, बीच दोपहर में फिर ना जाने क्यों बिन मौसम बरसात हुई। सुबह हुई शाम हुई, बीच दोपहर में फिर न जाने क्यों बिन मौसम बेपरवाह सागर भर बरसात हुई। एक आहट का इंतजार दिल को होता रहा बारंबार, एक आहट का इंतजार दिल को होता रहा बारंबार। पर तुम न आए न मुझे बुलाए, आई तो खूब बस तेरी याद आई। बहुत सुंदर बहुत खूब बहुत सुंदर। ये सब कुछ होना तय था, ये सब कुछ होना तय था, हमारा ऐसे मिलना तय था, हमारा बिछड़ना भी तय था।
सवाल आखिर फिर क्यों? सब कुछ तो है पर फिर भी कुछ भी नहीं अब हमारे पास। सब कुछ तो है पर फिर भी कुछ नहीं अब हमारे पास। तुमने ना तो मेरे हृदय में अपना स्थान बनाने से पहले ना तुमने अनुमति ली थी, ना मेरे हृदय में रिक्त करने से पहले कोई भी संदेश दिया। तुमने ना तो मेरे हृदय में अपना स्थान बनाने से पहले ना कोई अनुमति ली, ना मेरे हृदय को रिक्त करने से पहले ना कोई संदेश दिया। मगर तुम लौटना जरूर, क्योंकि तुम जाते हुए रिक्त हृदय में एक आस छोड़ गए हो कि तुम किसी दिन लौट आओगे आजीवन भर रुकने के लिए। मैंने ये बरसात को लिखा है कि एक दिन तुम फिर से लौट आना आजीवन रुकने के लिए। अरे वाह, और आज सुबह ही लौट आई बरसात आपके लिए। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नरेश जी जुड़े हैं कि नहीं? जी जुड़े हैं, जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट ही आ रहे हैं। जी अच्छा, नरेश जी जुड़ते नहीं तो मैं उनका क्लास लेती कि आप मुझे मॉर्निंग में उठाए हैं और आप नींद ले रहे हैं। नहीं, नरेश जी जुड़े हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी रचना है, लम्हे। जी स्वागत है आपका, सुनाइए। सुनो तुम्हें पता है ना, चांद पर उधार है सूरज की रोशनी, चांद पर उधार है सूरज की रोशनी, क्या कोई भी सागर लौटा पाया है नदियों का ब्याज? क्या कोई भी सागर लौटा पाया है नदियों का ब्याज? और बकाया है मेरे कुछ लम्हे प्रियतम तुझ पे, और बकाया है मेरे कुछ लम्हे प्रियतम तुम पे, तुम जानते हो ना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। गागर में सागर जैसा, छोटी छोटे लाइनों में, बहुत सुंदर विचार, बहुत खूब। एक्चुअली जोशी जी ने अभी आपके लिए कमेंट लिखा है, आई एम हियर, मैं यही हूँ। या और वाह भी लिख रहे हैं, और चलिए आप मेरी अगली स्तुति आप। हाँ सुनाइए, मैं धूप सी, मैं धूप सी, मैं तो कभी तरल पानी, धूप सी मैं तो कभी तरल पानी, कभी सीला सी अडिग तो कभी हवा की रवानी, कभी सीला सी अडिग तो कभी हवा की रवानी, कभी बिजलियों सी तो कभी उन्मुक्त तितलियों सी, कभी बिजलियों सी तो कभी उन्मुक्त तितलियों सी, अदालत में मैं न्याय करता भी, अदालत में मैं न्याय करता भी, तो घर में माँ की शुद्ध ममता भी, तो घर में माँ की शुद्ध ममता भी, प्रेम हूँ मैं, प्रेम हूँ, संवेदना हूँ, लगनशील हूँ, पर बुराइयों को जलाने के लिए मैं उतनी ही ज्वलनशील हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत। एक छोटी सी रचना और पढ़िएगा, सुनिएगा। इधर हूँ या उधर हूँ, इधर हूँ या उधर हूँ, मैं मगर हूँ, असर में हूँ, असर में हूँ तेरे पर बेअसर हूँ। इधर हूँ, गौर से सुनिएगा इसको, इधर हूँ या उधर हूँ, मैं मगर हूँ, असर में हूँ तेरे पर बेअसर हूँ। तुझे शायद नहीं मालूम होगा तेरी चाहत की कोई कसर हूं मैं। वाह, शायद मालूम होगा तेरी चाहत की कोई कसर हूं, मुझे आ शाम में तब्दील कर, मुझे आ शाम में तब्दील कर, मैं सुलगती हुई दोपहर की लहर हूं, मैं सुलगती हुई दोपहर की लहर। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आप अपने जो वकालत के अनुभवों से आपकी कविताओं पे उसका दिखता है असर। असर देखिए, प्रोफेशन में असर तो जो दिन रात जो काम कर रहे हैं उसका असर कहीं हमारे दिलो दिमाग में होता है, और वो निश्चित रूप से हमारे लेखन में आता ही है। हाँ। और बहुत सुंदर तरीके से आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं।
ये अगली कविता है ज्योति और सूर्य। स्वागत। हमारे यहाँ एक झारखंड और बिहार में आपने सुना होगा छठ व्रत होती है, हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं पूजा में छठ घाट से आई थी और ये कविता लिखी थी। मेरी बहुत ही खास भावनाएं से जुड़ी हैं ज्योति और सूर्य। सूर्य देव हैं आप, मैंने सूरज को लिखा है, सूर्य देव हैं आप। आपने मर्जी की ज्योति जलाती हूं मैं, भले ही सूर्य देव हैं आप, पर अपने मर्जी की ज्योति जलाती हूं मैं। दुनिया की माचिस से, दुनिया की माचिस से आप ऊर्जा से भरे हैं, लेकिन अक्ल से लाचार हैं। आप ऊर्जा से भरे हैं लेकिन अक्ल से लाचार हैं। अपने भुवन भास्कर इंच भर भी हिल नहीं पाते, अपने भुवन भास्कर इंच भर भी हिल नहीं पाते। मैं सुलगती किसी किसी का सर्द चूल्हा, मैं सुलगती किसी का सर्द चूल्हा। कभी मैं ठेले पर उढ़ला हुआ दरवाजा, चाय वाह, भर की उष्मा और रोशनी भर देती हूँ। मैं माचिस की तिल्ली हूँ, चाय भर की उष्मा और रोशनी भर देती हूँ। भले आप सूर्य देव हैं, किसी बीमार की अंधी कुठरिया में इस जगमग ज्योति छूने को, झुलस कर देह में गिरी किसी की धरती पर, धुआं बनकर पंख जिसके उड़ गए आकाश में, धुआं बनकर पंख जिसके उड़ गए आकाश में, अपरिमित उस ऊर्जा के स्रोत को। मैं हूं वो मैं हूं, कोई देवता है अगर आप सचमुच सूर्य तो क्रूर क्यों है इस कदर। कोई देवता है अगर सचमुच सूर्य आप तो क्रूर क्यों है इस कदर। आपकी यह अलौकिक विकलांगता, आपकी यह अलौकिक विकलांगता कभी कभार तो भयभीत करती है, पर मैं ही वो दिव्य ज्योति हूं। कभी रोशनी और कभी आपकी ही माचिस की तीली से आपको खाक कर देती हूं। बहुत खूब, मैं बहुत ही वो जोरदार। रोशनी हूँ, मैं ही वो दिव्य ज्योति हूँ। कभी रोशनी और कभी आपकी ही माचिस की तीली से आपको ही खाक कर देती हूँ, क्योंकि मैं तिल्ली की बनाई हुई ज्योति हूँ। बहुत दिल्ली की बहुत बनाई हुई बढ़िया, बहुत खूब, बहुत माचिस की तिल्ली सुंदर। और सूर्य का ये वर्णन। वृक्ष है कि भगवान के पास जाते हैं और अगले ही पल में देखती हूँ कितनी सारी चीजें अन्याय से भरी है ये दुनिया। तो जी लोग जो सूर्य की आराधना करते हैं और बहुत सी बातें हैं, मैं इतना कहूँ। कहना और मुश्किल आपको कुछ लोगों होता ने कमेंट्स दिए हैं, बहुत सुंदर काव्य पाठ। मधु शर्मा जी कह रही है। हैं क्या जी बात है, इंद्रजीत शर्मा जी कह रहे हैं बहुत जी खूब, और मधु शर्मा जी कह रही हैं उम्दा संचालन। जी हम लोग की भी छोटी सी कमेंट आ गई है। हाँ चलिए आपने जी, आप लोगों के बढ़िया। साथ लगी नहीं रहे कि पहली बार मैं मिली हूँ, जी और हाँ, हम लोग को बहुत भी नहीं लग रहा, अच्छा लग थोड़ी देर रहा आपसे फोन पे बात हुई थी पर ऐसा लग रहा है जैसे जानते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल। बहुत पता अच्छा लग रहा है। ये शायद कवित्रियों, मतलब एक आर्टिस्ट का दिल होता है जो बड़ी आसानी से जुड़ जाता है सही एक है, सही दूसरे से। कहा आपने। अगली कविता है मेरी, प्रेम। जी प्रेम प्रेम जी सत्य स्वागत है है, आपका। प्रेम सत्य है, प्रेम शिव है, प्रेम सुंदर है, प्रेम सर्वव्यापी है, प्रेम शुद्धता है, प्रेम पूजा है, प्रेम पीर पराकाष्ठा है, प्रेम विश्वास है तो प्रेम ही तो आस है, प्रेम प्यास है, प्रेम एहसास है, प्रेम बसंत है, प्रेम पतझड़ है, प्रेम पल्लव है, प्रेम पुलकित है, प्रेम साम है, प्रेम साम है, प्रेम सुबह है, प्रेम काम है, प्रेम से ही तो सृजन है, प्रेम बहुत सुंदर, पूजा बहुत बढ़िया। भी है, प्रेम पूजा भी है तो प्रेम ही तो निष्ठा है, प्रेम
प्रेम नाता है, प्रेम ही प्रतिष्ठा है। प्रेम को कब किसने बांधा है, प्रेम को कब किसने बांधा है, प्रेम को कब किसने नापा है। प्रेम अनछुआ है, प्रेम अनछुआ है, प्रेम अनदेखा है। उन लोगों के लिए है जो जिन्हें मैं देखी नहीं हूं और जो लोग जुड़े हुए हैं जी। और थोड़ी सी झूठ है कि जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, पर जो लोग अदृश्य रूप से जुड़े हुए उन लोगों के लिए भी प्रेम की प्रेम अनछुआ है, प्रेम अनदेखा है, प्रेम की ना कोई रेखा है, प्रेम मौना मौन है, प्रेम मौन है, प्रेम बैना है, प्रेम अधनिंदी सी रहना है, प्रेम अधनिंदी सी रहना है, प्रेम ठंडी ठंडी शीतल हवा है, प्रेम ठंडी ठंडी शीतल हवा है, प्रेम से ही तो मानवीय उम्मीदें जमा है, प्रेम से ही तो मानवीय उम्मीदें जमा है, प्रेम चुभन है, प्रेम चुभन है, प्रेम जलन भी है, प्रेम आत्माओं का मिलन है, प्रेम आत्माओं का मिलन है, प्रेम सुकून है तो प्रेम साधना है। बहुत सही कहा। प्रेम ईश्वर है, प्रेम आराधना है, प्रेम राधा है, प्रेम ही कृष्णा है, प्रेम राधा है, प्रेम ही कृष्णा है, प्रेम अनबुझी सी तृष्णा भी है, प्रेम अनबुझी सी तृष्णा भी है, प्रेम पूजा है, प्रेम पूजा है, प्रेम मीरा है, प्रेम तपस्या है, प्रेम पीड़ा है, प्रेम पाना ही नहीं होता, प्रेम खोना भी होता है, जी। प्रेम पाना भी नहीं होता, प्रेम खोना भी होता है, प्रेम टीस है, प्रेम पीर है, प्रेम टीस है, प्रेम पीर है, प्रेम टूट अटूट जंजीर है, प्रेम अटूट जंजीर है, प्रेम मेरे नयन है, प्रेम मेरे नक्श हैं, प्रेम मेरा पाए हैं आप वो शख्स हैं, प्रेम मेरा पाए हैं आप वो शख्स हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने इतनी सुंदर व्याख्या। आप पानी ले लीजिए, पानी जरूर से ले लीजिए। प्रेम की बहुत सुंदर व्याख्या, और हमारे श्रोताओं में से भी मधु जी भी कह रहे हैं कि प्रेम मोक्ष है, सभी तारीफ कर रहे हैं आपकी। बहुत तारीफ हो रही है आपकी जी। इंद्रजीत शर्मा कह रहे हैं वाह वाह शानदार। योगिता त्यागी जी भी तारीफ कर रहे हैं आपकी। स्नेह सुधा, प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम मोक्ष है। बहुत सुंदर कमेंट्स भी आपको मिल रहे हैं, तो बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। धन्यवाद आप लोग सभी का, जो लोग कमेंट्स देख कर रहे हैं और जो लोग बाद में इस लिंक को देखेंगे उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जी। मेरी अगली कविता है हिजा। वक्त ने धुआं बनके फिजा में उड़ा दिया मुझको। वक्त ने धुआं बनके फिजा में उड़ा दिया मुझको। मैं जल रही थी, किसी ने बुझा दिया मुझको। मैं जल रही थी, किसी ने बुझा दिया मुझको। खड़ी हूं आज भी रोटी के चार हर्फ लिए। खड़ी हूं आज भी रोटी के चार हर्फ लिए। सवाल ये है कि किताबों ने भी दिया क्या मुझको। सवाल ये है कि किताबों ने भी क्या दिया मुझको। धुआं बनके फिजा में उड़ा दिया मुझको। मैं जल रही थी, किसी ने बुझा दिया मुझको। सफेद रंग की चादर पर, सफेद रंग की चादर पर लपेट कर मुझ पर फसीले शहर में किसी ने सजा दिया मुझको। फसीले शहर में किसी ने सजा दिया मुझको। धुआं बनके फिजा में उड़ा दिया मुझको। मैं जल रही थी, मैं जल रही थी, किसी ने बुझा दिया मुझको। मैं एक जर्रा बुलंदी छूने को निकली थी। मैं एक जर्रा बुलंदी छूने को निकली थी। हवा ने थाम के
जमी पे गिरा दिया मुझको, धुआं बन के फिजा में उड़ा दिया मुझको, मैं जल रही थी किसी ने बुझा दिया मुझको। जिसे मैं जी रही थी मेरी जिंदगी पे हर बरसों से, जिसे मैं जी रही थी मेरी जिंदगी पे हर बरसों से, गजब तो ये है कि उसी ने भुला दिया मुझको, गजब तो ये है कि उसी ने भुला दिया मुझको, धुआं बन के फिजा में उड़ा दिया मुझको, मैं जल रही थी किसी ने बुझा दिया मुझको। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और जो मैं कविता सुनाई हूं उस पर एक कविता, मेरे शब्द मेरी भावनाएं हैं, मेरे शब्द मेरी भावनाएं हैं, मेरी भावनाएं मेरी प्रार्थनाएं हैं, मेरी मेरे शब्द मेरी भावनाएं हैं, मेरी भावनाएं मेरी प्रार्थनाएं हैं, मेरी प्रार्थनाएं मेरे ईश्वर को हैं, मेरी प्रार्थनाएं मेरे ईश्वर को हैं, मेरे ईश्वर एक चित्र है आपका, मेरे ईश्वर में एक चित्र है आपका, चित्र व्यापक प्रभाव है, चित्र में व्यापक प्रभाव है, इसलिए आपसे मेरा प्रेम आंदोलित है। मेरे ईश्वर में एक चित्र है आपका, चित्र में व्यापक प्रभाव है, इसलिए आपसे मेरा प्रेम आंदोलित है, आंदोलित पर इस मृत समाज से, प्रेम की कामना पर जीवन के संघर्षों की जीत लिख रही हूँ, मैं गीत लिख रही हूँ, एक शब्द की गीत लिख रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जोशी जी आपकी काफी तारीफ कर रहे हैं, नींद उड़ा दी आपकी कविताओं ने उनकी लिख रहे हैं। दरअसल इतनी देर में पहली बार पढ़ रही हूँ और ये जोशी जी मेरी पूरी खिंचाई कर रहे थे कि नहीं आप बहुत टाल टाल कर भागी हैं और समय नहीं। एक्चुअली आपका शायद गलत नंबर था हम लोगों के पास, पहले आपको बहुत कांटेक्ट कर रहे थे, हो ही नहीं पा रहा था। हाँ, हमने भी ट्राई किया, आज हो पाया तो मैं उनको सांत्वना दे रही थी, वो वकील वाली डेट पर डेट उनको दे रही थी कि मैं भेज रही हूँ, डिटेल भेज रही हूँ, और पूरी वकील बनी हुई थी कि मैं डेट अगली डेट पे कर देती हूँ, कल कर देती हूँ, परसों कर देती हूँ। वकील घबरा गए थे कि वकील साहबा आई नहीं रही, हम मुकदमा हार जाएंगे। नहीं, आप आई समय से, आ गई और बहुत अच्छा लगा। कहाँ ममता जी नहीं दिखाई दे रही हैं इस समय। हाँ, वो शायद से आउट हो गई, वो ज्वाइन करेंगी वापस से आंटी, दो मिनट। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो तब तक कमेंट पढ़ देते हैं थोड़े से। हाँ, बिल्कुल। के लिए कमांडो समोद सिंह कह रहे हैं बहुत सुंदर, वाह। एंड जोशी जी ने भी काफी तारीफ की है, कई बार उन्होंने लिखा है ममता जी नींद उड़ा दी आपकी रचना ने। और आप पढ़ चुकी थी ये वाला कमेंट। मधु शर्मा जी लिख रही हैं आपको कोई नए कमेंट और दिख रहा है तो आप आप मधु शर्मा जी कह रही है बेहतरीन, योगिता जी कह रही है बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है, प्रेम की परिभाषा, वाह वाह। सब लोग बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। और अब चूंकि इंद्रजीत जी कह रहे हैं वाह वाह शानदार, एक्चुअली अब भारत में सुबह हो गई है तो काफी लोग जुड़ गए हैं। इसने सुधा जी कह रही है प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही मोक्ष है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कमेंट्स मिले, बहुत सुंदर प्रस्तुति और सारी रचनाएं एक से एक बढ़ बहुत सुंदर। जी बिल्कुल, तो आशा है कि वो जल्दी ही जुड़ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ना चाहिए। जब तक नहीं जुड़ रही है मैं दो एक लाइनें प्रेम पर बोल देती हूँ, उन्होंने जो सुनाया। हाँ, तो कि बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका मंजू जी। प्रेम व्यवहार नहीं प्रकृति, प्रेम व्यवहार नहीं प्रकृति, आत्मा और परमात्मा से एकाकार होने की प्रवृत्ति। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक शाश्वत गीत, प्रेम एक शाश्वत गीत जिसे सब गुनगुनाते, मिले या ना मिले मन का मीत। सही, बिल्कुल। स्वागत है आपका फिर से ममता जी। आप का डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा प्रेम के ऊपर बोल दिया। और आप अपने को अनम्यूट कर लें ममता जी। हाँ, शायद दरअसल मैं बीच से सुनी हूँ और मेरी गुजारिश है कि मैं ये कविता फिर से सुनूं आपसे। पूरी कविता नहीं, ये बस जस्ट मैंने प्रेम के ऊपर ऐसी दो चार लाइनें लिखी थी तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि प्रेम एक शाश्वत गीत
जिसे सब गुनगुनाते, मिले या ना मिले मन का मीत। प्रेम मंदिर में जलता दिया, जिसने तन मन में ऊष्मा भरी, जीवन को उजियारा दिया। और अब आपका स्वागत है मंच आपका। ममता जी आप अपनी प्रस्तुति दें, फिर अगली प्रस्तुति। दो मिनट में थोड़ी सी। हाँ, जरूर जरूर। एक मेरी कविता है सत्यनीता जी। सत्यनीता ये उन पुरुषों के लिए है कविता, जो मेरी कुछ अनुभव है, जो लोग कहते हैं कि तुम ये कर दो मेरे लिए, वो कर दो, और तमाम स्त्रियों को समर्पित है। सुनिएगा जी। तूने कहा उपवास तोड़ दो, तूने कहा उपवास तोड़ दो, दुनिया की झूठी त्रास तोड़ दो। तूने कहा उपवास तोड़ दो, दुनिया की झूठी त्रास तोड़ दो। यह मानव जीवन अमूल्य है, यह मानव जीवन अमूल्य है, यह क्षण भंगुर एवं बहुमूल्य है। अब प्रश्न आया सत्य काम का, क्या गूढ़ अर्थ है सत्यनीता का? इसकी उपासना का क्या फल है, उसकी साधना का क्या बल है? उसकी उपासना का क्या फल है, उसकी साधना का क्या बल है? तूने कहा उपवास तोड़ दो, दुनिया की झूठी त्रास तोड़ दो। वह जीवन भी कोई जीवन है, जहां स्वाध्याय तथा सत्संग नहीं। वह अशुद्ध विषय भोगों का जीवन, विषयाशक्तिवश सुखमय जीवन, क्षति विनाशील विषयों में परम गति है, इंद्रियों का रहस्य में। तूने कहा उपवास तोड़ दो, मैंने कहा हाँ मैं उपवास तोड़ दी। तूने कहा उपवास तोड़ दो, मैंने कहा उपवास तोड़ दी। तुमने हर रस्म और रिवाज तोड़ दी, भावनाओं की मीठी त्रास तोड़ दी। तुमने सारे रस्मों रिवाज तोड़ दी, भावनाओं की मीठी त्रास तोड़ दी। तुमने कहा उपवास तोड़ दो, मैंने उपवास तोड़ दी, मैंने उपवास तोड़ दी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। नारी मन की भावनाओं को आपने बहुत अच्छे से उकेरा है अपनी कविताओं में। एक मेरी अगली कविता है इंतजार। जी स्वागत है। वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा मेरे इंतजार में जब तुम खड़े होगे। वो दिन भी आएगा मेरे इंतजार में जब तुम खड़े होगे। नजरें बार बार रास्ते पर उठ रही होंगी, नजरें बार बार रास्ते पर उठ रही होंगी। घड़ी की सुइयां अटकी हुई लगेंगी, दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। घड़ी की सुइयां अटकी हुई लगेंगी, दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। चेहरे पर पसीना, माथे पर सिलवटें होंगी, चेहरे पर पसीना, माथे पर सिलवटें होंगी। तुम्हें उन हालात का एहसास होने लगेगा, तुम्हें उन हालात का एहसास होने लगेगा। तुम्हारे इंतजार में जो मैंने सहा होगा, तुम्हारे इंतजार में मैंने जो सहा होगा। प्रीत मिलन की आस कुछ ऐसी ही होती है, प्रीत मिलन की आस की कुछ ऐसी ही होती है, जिसने उसी ही उसे ही महसूस होती है, जिसने सही उसे ही महसूस होती है। तुम ऐसी मोहब्बत मत करना, तुम कभी ऐसी मोहब्बत मत करना जिसमें मन को समझाना पड़े, जिसमें मन को समझाना पड़े और तेरी वफा पे तोहमत लगे, और तेरी वफा पे तोहमत लगे। फिर तुझको सफाई देनी पड़े, फिर तुझको सफाई भी देनी पड़े, और झूठ को सच जाना पड़े, और झूठ को सच कर जाना पड़े, अपनी नजरों से गिर जाना पड़े,
अपनी नजरों से गिर जाना पड़े। तुम ऐसी मोहब्बत मत करना, तूने कहा था मरीचिका है तू, तूने कहा था मरीचिका है तू, मैंने कहा था नहीं साहब मैं पानी हूं, मैंने कहा था उस वक्त भी नहीं साहब मैं पानी हूं, तूने कहा थोड़ा आगे बढ़ो, तूने कहा थोड़ा और आगे बढ़ो, मैंने कहा हाँ बढ़ भी जाओ, मैंने कहा हाँ बढ़ भी जाओ, तूने पूछा बता कहाँ है पानी, तूने पूछा बता कहाँ है पानी, मैं कह रही थी पी लो मुझे पानी की तरह, तुझमें घुल जाऊंगी जीवन दायिनी की तरह, पर तूने समझा नहीं। मैंने कही थी पी लो मुझे पानी की तरह, तुझमें घुल जाऊंगी जीवन दायिनी की तरह, पर तूने समझा नहीं। बहुत बहुत पता नहीं आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत खूब ममता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और अब आपके पास 3-4 मिनट हैं और दो एक छोटी सी कविता कुछ और सुना लीजिए आप। लम्हे, ये तो शायद मैं सुना चुकी। हाँ लम्हे अभी आपने सुनाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश। चलिए लगता है समय हो गया है। जी समय हो गया है तो हम जी, कोई नहीं मंजू जी, हम ममता जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने ज्वाइन किया और इतना सुंदर आपका प्रस्तुति और सारी रचनाएं एक से एक बढ़कर थी। और हम ये बस कहना चाहते हैं, किसी की लिखी हुई पंक्तियां हैं, ओढ़ ले नकाब चेहरे पर फिर एक सुबह, दुनिया को तेरी मुस्कुराहट की जरूरत है, दुनिया को तेरी मुस्कुराहट की जरूरत है। ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी।